हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बनने वाला है ब्रेड पकौड़ा। तो इसे बनाने के लिए पहले पटेटो को बॉईल करके मैश कर लिया है और एक मीडियम साइज के अनियन को चॉप कर लिया है और यहाँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को पीस लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ सूखे मसाले में हम लेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पर लेंगे काली मिर्च का पाउडर। एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो पेस्ट बना के रखा था, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इसमें चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। तो हमारा अनियन अब हल्का नरम हो चुका है। अब अपने सूखे मसाले हम ऐड कर लेंगे इस स्टेज पे, मिला लें। तो फ्रेंड्स, अब अपने मैश किए हुए पटेटो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मिला लेंगे अच्छे तरीके से मसालों में। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे हम। मिलाकर थोड़ी देर और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मसाला आलू का रेडी हो चुका है। बैटर हम रेडी करेंगे। इसमें हल्दी और अजवाइन हम लोगों ने डाल लिया है और इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे बेसन का बैटर बना के हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ब्रेड को हम लोगों ने 20 से हाफ कट लगा लिया है। अब इसमें फिलिंग हम ऐड करेंगे। अब इसमें आलू की फिलिंग हम ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड चॉप को बना के पहले तैयार कर लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे सारे ब्रेड्स में फिलिंग भर के हम लोग ने तैयार कर लिया। अब चलिए इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ एक चुटकी के करीब खाने वाला सोडा भी हम ऐड कर लेंगे बैटर में। अब इसे मिला लेंगे हम। इसमें हम सनफ्लावर ऑयल ऐड करेंगे पैन को। तो फ्रेंड्स, अब अपने ब्रेड पकौड़ों को बेसन के बैटर में डिप कर लेंगे, अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। तो हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकौड़ों को डाल लेंगे। तो इसे प्लेट पलट कर सारे तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो एक साइड हमारा सिक चुका है, दूसरी साइड हम पलट के पकाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पकौड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे किचन टॉवल में निकाल लेंगे। पकौड़ों को अब बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम हाफ कट लगा लेंगे अपने ब्रेड चॉप पे। अब इसमें हम लोगों ने टमाटो सॉस और ग्रीन चिली को मिला के एक सॉस तैयार किया है, वो इसके अंदर डालेंगे। और इसमें डालेंगे खीरा, पतले पतले स्लाइसेस। और अब इसे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्रेड पकौड़ों की प्लेटिंग कर ली है सॉस और खीरे से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।